गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8। ओके, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, फूड। चैप्टर नंबर 8 नेम इज़ फूड। आज हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फूड मींस जो हम लोग खाना खाते हैं, है ना, उसे हम लोग फूड बोलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द फूड, वी नीड फूड टू लिव। हम जानते हैं कि हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, तो हम लोग जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट फूड प्रॉपरली बिकम वीक। और जो लोग खाना ठीक से नहीं खाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। दे फॉल इल वेरी ऑफन, ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं जो लोग खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं। टू बी हेल्दी, तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह के खाने खाने चाहिए। ओके, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रॉपर हर एक चीज़ की मात्रा पर्याप्त रूप से हो, है ना, इसलिए हमें खाना रोज़ खाना चाहिए। देखिए, शुगर, ब्रेड, राइस, चपातीस, डोसास एंड पोटैटोस गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। शुगर मींस शक्कर, ब्रेड मींस जो आप लोग ब्रेड खाते हैं, राइस मींस चावल, चपाती मींस रोटी, डोसा जो आप लोग खाते हो, ओके, एंड पोटैटोस मींस आलू, मतलब आप लोग वेजिटेबल्स भी खाते हो, ग्रेन्स भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, और भी बहुत सी चीज़ खाते हो, जैसे नट्स वगैरह खाते हो, तो उससे क्या होता है, हमें बहुत तरह की एनर्जी मिलती है, बहुत तरीके से एनर्जी मिलती है, जिससे कि आप लोग किसी भी काम को कर सकते हो। किस तरह, जैसे आप लोग खेलते हो तो आप लोगों को खेलने के लिए भी एनर्जी मिलती है। ओके, तो इस तरह से हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमें उससे एनर्जी मिले और हम लोग अपना हर तरह से काम कर सकें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प अस टू फाइट डिसीज़ एंड स्टे हेल्दी। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उसके खाने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम किसी भी डिसीज़ से लड़ सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने से हम लोग हेल्दी बने रहते हैं और हमारे अंदर जो डिसीज़ होती है वो उससे फाइट कर सकती है, वो हमें उससे लड़ने में हेल्प करती है। दे शुड बी वॉश थ्रोली बिफोर ईटिंग और कुकिंग। ओके, लेकिन अगर जब से हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए आप फ्रूट्स खाते हैं, किसी भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, तो उससे पहले उसको हम लोग वॉश करके खाते हैं। ओके, सब्जी भी बनाई जाती है तो क्या होता है, वॉश करके बनाई जाती है। मम्मी आपकी सब्जी बनाती है तो क्या करती है, वॉश करके सब्जी बनाती है ना, तो किसी भी फ्रूट्स को या किसी भी वेजिटेबल्स को खाने से पहले हमें वॉश कर लेना चाहिए। ओके, अगर वेजिटेबल्स है तो उसको साफ़ करके उसको पकाया जाता है। ओके, तो खाना पका कर खाना चाहिए। एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हेल्प अस टू ग्रो। जैसे एग्स, बहुत लोग एग्स खाते हैं, अंडे खाते हैं, मिल्क लेते हैं, और मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। जैसे कि मिल्क के प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि दही, है ना, दही खाते हो आप लोग, पनीर खाते हो, चीज़ खाते हो, ओके, आइसक्रीम खाते हो, तो मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम लोग एग्स, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट वगैरह खाते हैं, तो ये हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे हमें अधिकतर प्रोटीन मिलता है। तो ये क्या होता है, ये हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हेल्प मिलती है। ओके, मिल्क मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क क्या करता है, मिल्क हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बोन्स को बढ़ने में हेल्प करता है, और टीथ को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मिल्क में कैल्शियम भी होता है। ओके, इस तरह से हमारी बोन्स फिट रहती हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं, टीथ भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो मिल्क से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए बच्चों को डेली एक ग्लास मिल्क पीना चाहिए। मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीथिंग। बैलेंस डाइट क्या होती है, देखिए, द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज़ अवर डाइट। जो हम लोग खाना डेली खाते हैं वो हमारी एक डाइट कहलाती है। ओके, अ डाइट दैट इंक्लूड्स एट लीस्ट सम फूड्स फ्रॉम ईच सेक्शन शोन इन द पिक्चर इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। एक डाइट जिसमें कि कम से कम एटलीस्ट सारे हर टाइप का भोजन उसमें मौजूद हो, या हर तरह का हमारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ मौजूद हो, ऐसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें कि सारे प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स सब कुछ मौजूद हो। ओके, ऐसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, वी मस्ट
ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो हमें डेली क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम लोग फिट और हेल्दी बने रहें। ओके, नाउ टुडेज योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टू नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट। टुडेज योर होमवर्क इज वॉच योर वीडियो एंड एवरीबडी रीड द चैप्टर।